आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। खबर वाराणसी से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के निर्देशन में आयकर विभाग की ओर से 6 दिवसीय आइकॉनिक सप्ताह का आगाज सोमवार को हुआ। वही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञापन भवन से किया। इस मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आज जो संबोधन दिया, उसमें उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह हम कैसे कर सकते हैं, इस पर काम करना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो आइकॉनिक सप्ताह जो मनाया जाता है, इसमें आयकर विभाग वाराणसी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इससे पहले भी हम बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन इस सप्ताह में जो प्रमुख आयोजन है वो तो एक आज का आयोजन हो गया। इसके बाद आयकर विभाग वाराणसी के अंतर्गत आने वाले जो 5 जिले हैं, जैसे भदोही है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, गाजीपुर है, बलिया है, इन सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। सेंट्रिक पॉलिसी होनी चाहिए, उसको कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसको पहुंचाना है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा और जितना तय उसका जो फ़ायदा होना है वो पहुंचे, यही मेन मैसेज दिया गया है कि हर एक सरकारी कर्मचारी को, बैंक कर्मचारी को अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो भी सरकार की। फतेहपुर सीकरी के सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौहान अपनी ही सरकार में लोगों को न्याय दिलाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। वहीं इस कड़ी में एडीए के अधिकारियों ने शाहगंज के दरौठा निवासियों से निर्माणों को अवैध बताकर उन्हें ढहाने की चेतावनी दी और पीड़ित लोगों ने एडीएम कार्यालय पहुंचकर एडीए का घेराव किया, जिसके बाद एडीए कार्यालय पहुंचे और धरना दे रहे और आश्वासन दिया कि उनकी इस लड़ाई को वह लगातार लड़ेंगे और उन्हें बेघर नहीं होने देंगे। खाली प्लॉट पड़े हैं या जो कोई कमर्शियल गतिविधि बड़े स्तर पे हो रही है, छोटी दुकान है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बड़ी यदि कोई इस तरह की गतिविधि और जो हमारी एक्वायर्ड लैंड है उसका अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो उसके ऊपर फिर हम भविष्य में कार्रवाई करेंगे। मेरे पास अभी देतुरा गाँव के लोग आए थे और उन्होंने ये बताया कि साहब हमारे यहाँ कुछ ऐसी धमकी दी गई है कि आपके सारे मकान तोड़े जाएंगे। तो मैंने कहा था कि ऐसे कोई किसी का मकान नहीं तोड़ सकता और टूटने भी नहीं देंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं, गरीबों का, जिनकी छतें सर पर नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, आदरणीय योगी जी भी लगातार गरीबों के घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में घर दिए। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो इमरजेंसी में हेल्थ महकमा जो एम्बुलेंस से आपको जीवन देने का इलाज को भेजता है, वह खुद मौत बनकर घूम रही है। जिले में कुल 70 एम्बुलेंस है, जिनमें से 35 की फिटनेस खत्म हो गई है। इसमें 23 सरकारी और 12 प्राइवेट एम्बुलेंस है। बता दें कि फिटनेस खत्म होने का मतलब वाहन रोड पर चलने की स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद बगैर फिटनेस के एम्बुलेंस रोड पर फर्राटे भरती हुई नजर आ रही है, जबकि फिटनेस खत्म होने के बाद कोई भी गाड़ी सड़क पर संचालन से के अयोग्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस रोड पर फर्राटे भर रही है और जिम्मेदार सीएमओ को इसकी खबर तक नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार जनपद संभल में 70 वाहन जो है एम्बुलेंस में पंजीकृत हैं। इसमें जब छानबीन किया गया तो इसमें 35 वाहनों के फिटनेस फेल हैं, जिसमें से 12 वाहन प्राइवेट संस्था के नाम दर्ज हैं, बाकी गवर्नमेंट संस्था के नाम दर्ज हैं। गाजियाबाद में मुठभेड़ का सिलसिला जारी है और एक बार फिर साहिबाबाद के मोहन नगर पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वही एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। आरोपी के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। थाना क्षेत्र को ये सूचना मिली 112 नंबर पे कि दो लड़के सफेद अपाचे पर मोबाइल छीनने का प्रयास किए हैं और मोहन नगर की तरफ भागे हैं। इस पे चौकी इंचार्ज मोहन नगर अन्य फोर्स के साथ वहां पर चेकिंग प्रारंभ कर दिए। जब ये लड़के उनको
दिखे तो इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं बल्कि फैक्ट्री एरिया की तरफ तेजी से भागे। जब फैक्ट्री एरिया में इनको घेरा गया तो इन लोगों ने अपने को घिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उनको एक लड़के को गोली लगी है, दूसरा लड़का वहां से भाग गया है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम खालिद बताया। संभल में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में टेम्पो से जा टकराई और इस हादसे में टेम्पो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस वालों के माध्यम से नरोरा रोड जो है, जहाँ से ईसमपुर के लिए रास्ता कटा है, वहाँ देवी महाकाली जी का मंदिर है, एक सीएनजी ऑटो और एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरी ईंटों से उनका भीषण टक्कर होने की वजह से करीब 15 बच्चे और कुछ बड़े मिलाकर के लाए गए हैं, जिनमें दो लोगों को जब हमने देखा तो वो मृत थे और जिनकी मृत्यु वहीं पर एक्सीडेंटल क्षेत्र में हो चुकी थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। दिनांक 5/6/2022 को रात समय लगभग 10:30 बजे एक टेम्पो में सवार होकर बदायूं डिस्ट्रिक्ट से मुंडन हेतु गंगा किनारे के लिए जा रहे थे, ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हुई, जिसमें दो लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया तथा मृतकों को पीएम हेड मोर्चरी भेजा गया। ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, यातायात की कोई भी समस्या नहीं। खबर देवरिया से है, जहां जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दबंग युवक फिल्मी स्टाइल में तलवार लहराते हुए नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई। बताया जा रहा है ये मामला पट्टेदारी जमीन का है, जिसके चलते युवक आए दिन तलवार दिखाकर लोगों को डराकर जमीन हड़पना चाहता था। घटना यही था कि वो लोग गाली दे रहे थे और हम लोग को मारने आ गए तलवार और लाठी डंडा लेकर, पांचों लोग, और एक 251 में कौन लोग थे जो मारने आ गए, क्या नाम है उनका? रिंकू, पिंटू, अरविंद, मकुरदान और मंटू। कौन से गांव के रहने वाले हैं? पकड़ी बाबू। वो जमीन के झगड़ा दुआरी पे आके तलवार लेके हमने के माई दिया के काटत रहना। कौन है तलवार लेकर काट? रिंकू नाम है। क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कुछ नहीं खन कर। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोपों में गांधी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने रविवार को राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखकर जुमे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एसीएम रुद्रे की ओर से उन्हें एक नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है। बता दें, अब इस मामले में पूजा शकुन पांडे ने माफी मांगी, लेकिन प्रशासन ने इस संबंध में 24 घंटे के अंदर इनसे जवाब मांगा है। आपके विरुद्ध कार्रवाई क्यों ना की जाए? मांगों को लेकर के एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए, इसे आवश्यक कार्यवाही है उन तक पहुंचा दी। क्या डिमांड की है? इसमें है 4-6 पॉइंट्स हैं। क्या जुमे की नमाज का भी जिक्र है इसमें? अभी आप लोगों ने सुना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर आज बरखेड़ा के ग्राम प्रधान राम सिंह ने पहुंचकर गांव की नहर की जमीन का भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की जिलाधिकारी से मांग की है। उन्होंने कहा कि बरखेड़ा गांव में नहीं विभाग की जमीन पर मकान बनाए जा रहे हैं, गैर कानूनी है। बता दें कि ग्राम प्रधान का आरोप है कि मामले की जानकारी 3 महीने पहले सभी अधिकारियों को तहसील में दी गई थी, लेकिन मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ भूमाफियाओं की वजह से रास्ता नहीं बन रहा है, उस रास्ते पर बहुत गारा रहता है, वो अकेला एक समाज का नहीं, सर्व समाज का रास्ता है, और उस गांव से अगले 10-20 गांव का रास्ता, उस गांव पर निकलने वड़ने में उस रास्ते से बहुत कठिनाइयां सबको होती हैं, लेकिन फिर भी हमारे उस गांव के मौजूदा प्रधान राम सिंह जी उस रास्ते को बनाने के लिए मिट्टी पड़वाई और वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व ने मिलकर उस रास्ते को बनने से रोक दिया और वो रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं। ये बाग हमारा है और इधर ये सारे खेत हमारे हैं, इस पे प्रधान जी ने इतना परेशान कर रखा है हमें कि हम लोगों का, उनका कहना ये है कि वो गंदा पानी गांव का नालों का पानी करेंगे तो हमारे घरों में करेंगे,
या फिर हमारी फसल में करेंगे या हमारे बाग में करेंगे। उन्हें पानी कहीं नहीं करना है। उन्हें जातिवाद से मतलब है, उन्हें केवल अपनी जाति का पक्ष ले रहे हैं, किसी और का साथ देना नहीं है। ये विवाद ये चल रहा है, ये गांव का प्रधान जो है ये गांव पर राजनीति कर रहा है और ये हमारे खेतों में पानी कर रहा है। पूरे गांव का पानी आप देख लीजिए, हमारे खेतों में कर दिया इसने पानी। और ये आपस में जाट और जाटअप को लड़ाना चाहता है कि मैं जिससे राजनीति कर सकूं और आगे भी प्रधान बन सकूं। और हमारे सारे खेतों में पानी भर, हमारे सारे आम के बाग सब खराब कर दिए, सारे पेड़ों में हमारे पानी जा रहा है। और ये अगर हम कुछ कहते हैं तो कहता है कि मैं SC Act लगवा दूंगा। क्या नाम है प्रधान का? राम सिंह। शाहजहांपुर के रहने वाले 10 मजदूरों की हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से मौत हो गई, जिसमें 8 मजदूरों के शव शाहजहांपुर के भंडेरी गांव लाए गए। मृतकों के गांव पहुंचे जिलाधिकारी मिश्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी मृतक मजदूर भूमिहीन है, इसलिए उनके परिजनों को जमीन के पट्टे किए जाएंगे और मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से सभी मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता योजना से 2 दिन पहले ही घोषणा हो गई, 2 लाख रुपए मृतकों को और जो घायल हमको 50,000 रुपए। इसके अलावा जो सहायता जिले स्तर पर पारिवारिक लाभ योजना और सामाजिक जितनी योजनाएं हैं उससे कवर करके और श्रम विभाग की जो योजनाएं उनसे इनको लाभान्वित किया जा रहा है। दूसरे जो है इनको 8 लोग इसमें भूमिहीन है, तो यहाँ GS लैंड है, उनको हम लोग पट्टा भी दे रहे हैं, आवासीय पट्टा भी दे रहे हैं। उससे ज़्यादा जमीन जो बचेगी उसको कृषि आवंटन में हम लोग कर रहे हैं। वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने आरोपी वलीउल्लाह के लिए सजाए ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 16 साल पहले संकट मोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। दरअसल 7 मार्च 2006 को संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी और 35 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अलीगढ़ के मकसूद नगर में पानी के संकट से लोग परेशान हैं और इसी वजह से पार्षद और स्थानीय लोगों ने मिलकर नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे और कई बार शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्षद पतियों अक्रम अलवी, पानी की समस्या हमने शिकायत की है नगर निगम में। पूर्व में 4 साल से मखदूम नगर गोलाबादी में पानी नहीं है, जनता पानी से इतनी परेशान है। पूर्व में भी हम शिकायत करते परेशान हो गए, जय को शिकायत करते हैं, जय टाल दे रहे आप जल निगम जाइए, जल निगम जाते हैं आप नगर निगम जाइए, लेकिन जनता हमारी इतनी परेशान है, पानी पीने तक को पानी नहीं है। लाइट की नाली की बहुत सुविधा के लिए आए, हमारा पार्षद हमारे साथ में चलता है, तब भी सुनवाई नहीं होती। कई बार धरना दे के हम लोग चले गए, फिर भी सुनवाई नहीं देती। अब जो सोच कर आए जा तो मर के जाएंगे या मार के जाएंगे हम लोग। मार के कैसे जाओ? जहाँ मीडिया वाले हमारे, यहाँ जो नगर निगम वाले जहाँ हमारे, ये नया क्षेत्र है जिसमें जल निगम द्वारा योजना तैयार करके यहाँ पर नए ट्यूबवेल स्थापित कराए गए हैं, ओवरहेड टैंक भी बनाया गया है और 9 ट्यूबवेलों को फंक्शनल की यानी कार्रवाई की जा रही है और इस क्षेत्र में अतिशीघ्र ही महीने भर के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। 9 ट्यूबवेल इस एरिया के लिए पर्याप्त हैं और मोर देन पर्याप्त हैं और 2034 तक की योजना इनके यहाँ जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बच्चों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल के लिए दान में पहला। हमें बता दें कि 76 साल के वृद्ध के मृत शरीर के परिजनों ने शव को दान दिया है। इस संस्थान में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिलेगा। वह इस बात पर एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि इससे बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। एम्स रायबरेली को यह किसी संस्था के माध्यम से पहला देहदान कराया गया है और रायबरेली के संकल्प पत्र की अगर हम बात करें तो 14 व्यक्तियों ने अपने संकल्प पत्र देहदान के लिए भरकर यहां पर हम सबको दिए हुए हैं और इस माध्यम से अब रायबरेली जनपद में भी देहदान का अभियान अपनी गति पकड़ रहा है। हमें आज देहदान के जरिए एक बॉडी मिली हुई है, तो देह प्राप्त हुआ है। वो 76 ईयर ओल्ड वृद्ध है जो कानपुर से है। ये बॉडी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ छात्रों को प्रशिक्षण के लिए मनुष्य की शरीर की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हमें अभी ये प्राप्त हुई है। और ये बुज़ुर्ग होते हुए हम इस पर जब प्रोसीजर करेंगे तो उससे बॉडी प्रिजर्व हो जाएगी और इसके सारे अवयव हमें प्रशिक्षण के काम आएंगे।
खबर बुलंदशहर से, जहां कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक कारागार आनंद कुमार के निर्देशन में बुलंदशहर जेल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारी, कर्मचारियों और बंदियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के संकल्प के साथ अभियान की शुरुआत की गई। उसके अवसर पर कारागार में बृहद पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। सभी अधिकारी, कर्मचारियों और बंदियों द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया। बंदियों द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हम पौधारोपण के साथ साथ उनकी पूरी देखभाल और सेवा करेंगे, ताकि कोई भी पौधा सूखने या मरने न पाए। और इस तरह से उन्होंने एक व्यक्ति एक पौधा की नीति के तहत विश्व पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया। बुलंदशहर में गोपाल हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बता दें कि आरोप है कि दामाद बेटी को जमकर पीटता था और जिससे गुस्साए ससुर ने गला रेतकर दामाद की हत्या कर दी। इस हत्याकांड को ससुर और साले ने कई रिश्तेदारों के साथ मिलकर अंजाम दिया। वहीं मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया और कई धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई। गोपाल के पत्नी की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर के इन लोगों ने इसकी हत्या को अंजाम दिया। इसमें दो अभियुक्त, जो इसके ससुर घोर हरे राम सिंह और ब्रजेश कुमार सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है, जो इनके ससुर का बहनोई है, उसका नाम रघुवीर सिंह है, उसकी तलाश की है। और घटना में प्रयुक्त दराती और मृतक के कपड़े इनकी निशानदेही पर बरामद किए गए हैं और इनको जेल भी। संभल में किसान से रुपए लेते हुए राजस्व निरीक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और वहीं किसान ने भी बताया कि अधिकारी के छुआबंदी के नाम पर 59,000 रुपए के लिए थे। फिलहाल मामले की जांच के लिए डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। बुलंदशहर में दबंगों का आतंक जारी है, जहां रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुगलपुरा की घटना है। चोट में जो ना सर, 4-5 महल्ले के लड़कों ने मारा और मुझसे हफ्ता वसूली मांगते हैं। और मैंने कल जो है ना, लड़कियों को छेड़ने की वजह पे मैंने उनसे किया, यहाँ पर खड़े मत हो करो, तो मुझे जो है ना उन्होंने मारपीट करी। ये सर मेरी आँख पर निशान है, और जो मुझे दुकान पे से मारते हुए वहाँ ले गए आगे को दुकान से दूसरी गली की तरफ को, और इतनी बुरी तरह से मार रहे जैसे कोई गैर आदमी को मारे, जबकि मेरे दुकान के पास ही खड़े रहे। आसिफ भाई आए, उन्होंने देखा मारपीट हो रही है, उन्होंने आसिफ भाई ने बीच बचाओ के चक्कर में उनका भी नाम लिखवा दिया रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ के रानीगंज बाजार में बीती रात व्यापारी पर हुए हमले के विरोध में सोमवार सुबह व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। व्यापार मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में व्यापारी बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर रानीगंज थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठकर व्यापारियों ने एक आम सभा करते हुए व्यापारी अशोक मौर्य के ऊपर किए गए जानलेवा हमले की घोर निंदा करते हुए एक स्वर में तत्काल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी और उपजिलाधिकारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर व्यापारियों से वार्ता करते हुए आश्वस्त किया कि रंगदारी मारने वालों और गोली मारने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद व्यापारियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। इसमें रंगदारी 5 लाख मांगा गया था, इसमें सूचना थाने में दिया गया था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके उपरांत गोलीबारी हम लोग दुकान बंद करके आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ सी ओ डी एम के आश्वासन पे, एसपी के आश्वासन पर हम लोग धरना समाप्त किए हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं होती, मुंजिम नहीं पकड़े जाते, हम लोग पुनः फिर धरना प्रदर्शन फिर देंगे। देवरिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 8 बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। थाना महुआ की टीम द्वारा वर्कआउट किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 4 अपराधी पकड़े गए हैं। ये चारों अपराधी
मोटरसाइकिल चोरी गैंग के सदस्य हैं और इनके कब्जे से हम लोगों को कुल मिलाकर 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। नियमानुसार विधिक कार्यवाही इस गैंग के खिलाफ की जाए। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।